हेलो गाइस, कैसे आप सब? ठीक, मैं भी ठीक। एक्चुअली मैं सब्जी बना रही थी तो इंस्टेंट थॉट आया कि चलो कि ये सब्जी की रेसिपी शेयर करते। तो मैंने बहुत सारी तैयारी कर ली हूँ, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ। एक ओनियन स्लाइस्ड, बड़ा ओनियन लिया। आलू मैंने एक बड़ा लिया हुआ स्लाइस्ड, और ये तेंदली होगा पाव किलो, ये मैंने स्लाइस कर लिया। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, और उसमें 2 टेस्पून तेल डाला हुआ है कुकिंग ऑयल। ठीक है, आगे मैं बताती हूँ क्या क्या करना है। तो ये तेल गरम होते ही हमें इसमें डालना है जीरा। वन सेकेंड। ठीक है, तो अब हम इसमें डालेंगे जीरा, करीब 1 चम्मच जीरा फूट रहा है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे हींग। थोड़ा सा हींग, फिर हम इसमें डालेंगे ओनियन। डाल दिया ओनियन, अब इसे हम स्टर करेंगे। ओनियन को स्टर करना अच्छे से। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे ताकि ये थोड़ा जल्दी पक जाए। शायद कैमरा क्लियर नहीं है। तो अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। मैं जैसे जैसे बना रही हूँ वैसे आपको बोलते जाऊंगी, बिकॉज मैंने प्रिपरेशन कर लिया, फिर मैंने सोचा शूट कर लिया। इसे अच्छे से हमें ब्राउन नहीं बोल सकते, एक पिंकिश कलर है, तब तक हमें इसे फ्राई करना। हमें इसे ऐसे करना है, हल्का सा पिंक और ब्राउन के, ये ब्राउन भी थोड़ा थोड़ा हुआ है देखना। अब हम इसमें हमारे आलू डालेंगे जो काट करके रखे थे, और हमारा धोकर कट किया हुआ चोंगड़ी मैं सारा डाल देती हूँ। डाल दिया, अब हम एक एक करके मसाला, ये 1/4 टीस्पून डाला है मैंने हल्दी, जीरा पाउडर हम डालेंगे अराउंड 1/2 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून प्लस 1/4, धनिया पाउडर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून। इसको अच्छे से स्टर करना है, अगर सब्जी में जितना सॉल्ट चाहिए वो भी डालना, आप अभी डाल सकते हैं। और स्टर करना अच्छे से, ये देखिए हमने अच्छे से इसको स्टर कर लिया। अब हम उसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और उसके ऊपर पानी डालेंगे, जिसको बोलते हैं वाफेवर शिजोनियस। देखिए मैंने प्लेट रख दिया, इसका मतलब क्या होता है कि हम बिना पानी डाल के इसका अंदर का वेपर होता है उससे इसको हम कुक करेंगे। तो अब इसके ऊपर प्लेट रख दिया है, और अब इसके ऊपर मैं पानी डालूँगी। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ, ऐसा कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, एक 5 या 8 मिनट 10 मिनट पकड़ो, उसके बीच में आपको स्टर करना ही है। और गैस सिम में रखना, मीडियम में रख रहे हो तो यू हैव टू कीप ऑन स्टरिंग इन बिटवीन। ये आप ऐसे ही हमें इसे पकने देंगे। अभी पानी डालती हूँ, इसमें पानी डालू, और जब भी आप इसको उठाओगे चिमटा या पक्कर से और साइड में रखोगे, मेक श्योर ये वाटर जो है वो उसके अंदर गिरे नहीं। अगर ये गिरेगा फिर टेस्ट भाजी का थोड़ा अजीब हो जाएगा, मतलब इट विल बिकम लिटिल सॉगी। तो इसको संभाल कर उठाना और पकाना। तो अब हम इसे स्लोली हटाएंगे। देखिए पानी है, हम इसको स्टर करेंगे। देखिए वाव, तो यम कलर देखिए। अब ऐसे ही इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे, आई थिंक मोर 10 मिनट्स में ये पक जाएगा। तो सेम ये प्लेट को हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे सिम में, हाँ एकदम, या लो में भी रखना। चलिए इसके ऊपर रखते हैं और इसे हम पकने देंगे।
अब हम और एक बार देखेंगे ये पक जाए कि ये देख रहे हैं पानी वो उसमें से गिर कर ये वैसे पकता है, तो ऑलमोस्ट अभी ये बन गया। बट एक मुझे ऐसा लग रहा है और दो मिनट हमें इसे दो मिनट रख सकते हैं। ऑलमोस्ट पक गया, थोड़ा और मैं पकाना चाहती हूँ इसे थोड़ा सा, तो हम इसे वापस उसके ऊपर रख के छोड़ देंगे। दो मिनट के बाद मिलते हैं सब्जी पक गई। अब हम देखते हैं, दो मिनट हो गया एंड ये परफेक्टली कुक्ड है, देख के ही पता चलते क्या होती। बस गाइस, तो हमारी सब्जी रेडी हो गई है। आप भी ट्राई करना, ये अलग सब्जी होती है इंडिया की, किसी ने ट्राई नहीं क्योंकि ट्राई करना और मुझे फीडबैक देना। सो गाइस, सी यू विद द नेक्स्ट रेसिपी। बाय।